साल 2021 में भी एंटरटेनमेंट जगत से बुरी खबरों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब कन्नड़ एक्ट्रेस और बिग बॉस कन्नड़ की पूर्व कंटेस्टेंट रही जयश्री रमैया का निधन हो गया है। जी हां, एक्ट्रेस 25 जनवरी यानी सोमवार दोपहर को मृत पाई गई हैं। जी हां, वे बेंगलुरु स्थित वृद्ध आश्रम में रह रही थी। एक्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चल रही थी। जी हाँ, आपको बता दें कि काफ़ी समय से डिप्रेशन का शिकार थी और बेंगलुरु में उनका इलाज भी चल रहा था। जयश्री रमैया बिग बॉस सीजन 3 की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं। साल 2020 से ही वो काफ़ी परेशानियों का सामना कर रही थी। जी हाँ, साल 2020 में सोशल मीडिया पर उन्होंने इसका संकेत भी दिया था कि वो मानसिक रूप से ठीक महसूस नहीं कर रही है। बता दें कि पिछले साल जयश्री रमैया ने फेसबुक पोस्ट के जरिए डिप्रेशन की जानकारी भी दी थी। उन्होंने साल 2020 में सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो डिप्रेशन और इस संसार को क्विट करना चाहती हैं। इसके बाद उनके फैंस और शुभचिंतक काफी चिंतित हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने लोगों को तसल्ली दी कि वो एकदम ठीक हैं और महफूज हैं, सभी को मेरा प्यार। जी हाँ, ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने। इसके बाद उनके फैंस को थोड़ी राहत मिली थी, मगर फैंस को क्या पता था कि ये राहत बस थोड़े से समय के लिए ही थी। जानकारी के मुताबिक जयश्री जिंदगी से जंग हार गईं और उन्होंने जीवन से तंग आकर इस दुनिया को छोड़ दिया। जी हाँ, इससे पहले 25 जुलाई 2020 को जयश्री सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव आई थी और उन्होंने कहा कि मैं ये सब पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रही, मैं सुदीप सर से भी किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाह रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी मौत चाहती हूँ क्योंकि मैं अब डिप्रेशन का और सामना नहीं कर सकती, मेरी हालत ठीक नहीं है पर मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं पर्सनल फ्रंट पर स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं बचपन से ही इसका सामना कर रही हूँ और इससे बाहर निकल पाने में असमर्थ हूँ। बता दें कि ये खबर सुनने के बाद कन्नड़ इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। सभी इस खबर से बेहद दुखी हैं और अफसोस जता रहे हैं। जी हाँ, तो और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। सुरभि की रिपोर्ट।